तो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। नहा धो के बढ़िया से रेडी हो चुका है और इस तरफ दोनों भाई का साइकिल भी पूरा रेडी। और यहाँ पे ना वो पेड़ जो है, क्या बोलता है हिंदी में, टोटा, बहुत सारा टोटा यहाँ पे भी है, ये पेड़ का ऊपर और वहाँ पे भी है। कितना मस्त जगह है ये। और जीतू भाई गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो सभी? सब तो बढ़िया है, आपका हालत बढ़िया? अभी ठीक है, ठीक है, ओके, अभी कोई टेंशन नहीं, आराम हो गया ना? ओके। और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले द्वारका की तरफ ना, द्वारका। और यहाँ से लगभग 450 मतलब 450 या 500 किलोमीटर है। हाँ कोई नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से। अभी पहले हम लोग मुंद्रा जाऊंगा, मुंद्रा से शायद गांधीधाम, जो भी शॉर्ट रास्ता होगा उस तरह से हम लोग चले जाएंगे द्वारका की ओर। फाइनली अपना साइकिल का ऊपर बैठ चुका हूँ और आज का दिन का शुरुआत करता हूँ लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और सामने एक ब्रिज है, वो ब्रिज को अभी क्रॉस करके हमें जाना है मुंद्रा की ओर। मुंद्रा यहाँ से और 50 किलोमीटर है, 50। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते। चलिए, सामने जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ये अभी बंद है, तो उस दिन जो आया था वही ब्रिज होते हुए जाना है अभी। सुबह सुबह का ऐसा माहौल है सराउंडिंग मांडवी का, इस तरफ सीधा निकल जाता है मांडवी। ब्रिज क्रॉस कर लिया वो, अभी यहाँ से हमें ये रास्ता जाना है क्या। एक्चुअली पीछे से भी रास्ता था मुंद्रा जाने के लिए, और एक भैया जी मिले थे, बोला कि उस तरफ गांव आएगा दो तीन, मतलब खाने के लिए ढाबा हुआ कम मिलेगा, तो उस वजह से हमने आगे से है नेशनल हाईवे 41, वो हाईवे होते हुए जाऊँगा मुंद्रा, क्योंकि ढाबा हुआ मिलने से सही रहेगा, दिन में सही कुछ खा हो सकेंगे ना, उस वजह से। और अभी हमें 8.5 किलोमीटर सीधा जाना है, उसका बाद राइट मुड़ जाना होगा मुंद्रा के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मांडवी, 3 दिन हम लोग यहाँ पर ही स्टे किया। तरफ पूरा नारियल का पेड़ कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाह। यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, काफ़ी बढ़िया खूबसूरत नज़ारा, वाह। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा तालाब है और चारों तरफ नारियल का पेड़, कितना खूबसूरत दिख रहा है। चेन जो है ना, चेन से साउंड निकल रहा है, ऑयल लेने पड़ेगा, मोबिल डालना पड़ेगा। और आज थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रहा है, 2 दिन रूम का अंदर ही था उसका वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे छोटे छोटे खजूर का पेड़ खेती किया हुआ है, और यहाँ पे अनार भी बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली पहुँच गया हो, अभी यहाँ से हमें राइट जाने पड़ेगा मुंद्रा के लिए। चलो चलो, उस दिन ये रास्ता से आया था हम लोग सीधा। सुबह से करीब 11 किलोमीटर साइकिल चला लिया और अभी यहाँ पर ही कुछ टाइम रेस्ट किया हो, पानी उन्हें पीता हो, फिर आराम आराम से चलते रहेंगे। ऐसा कुछ है यहाँ पे, एक्चुअली खाने के लिए होटल नहीं है, आगे जाने पड़ेगा हमें। सामने देखिए ये अनार का बाग पूरा लाल लाल लगा हुआ है, काफ़ी देख के अच्छा लग रहा है। अनार का खेती बहुत होता है यहाँ पे, और इसीलिए थोड़ा सा जो प्राइस है ना, प्राइस थोड़ा कम है। कैसे हो, ठीक है? 72 है इसका। अच्छा बढ़िया, आपने भी तो साइकिलिंग किया है ना? बहुत किया, बहुत। रेसिंग? अच्छा, आप कहाँ से है? मांडवी से। ओके, अभी कहाँ पे जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा बात। ऐसा ही, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, चलिए। हाँ,
तो अंकल जी मिले, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंकल जी बोले लंच खिलाएगा। गन्ने का रस। अच्छा अच्छा बढ़िया है। इस तरह से यहाँ पे गन्ने का रस। ठीक है, अभी गन्ने का रस पी दो। ठीक है, धन्यवाद, आशीर्वाद दे दिया भैया। तो अब ये गन्ने का रस खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, फिर चलता चलिए। और सामने ये पूरा अनार का ही बागान है। अच्छा से तो अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूरा भरा पड़ा हुआ है अनार। इस तरफ भी पूरा अनार। ओह माय गॉड, मैं मनाली हिमाचल में देखा था आपका सेब का खेती, वैसे ही है ये अनार का खेती। पूरा लाल लाल रेड रेड लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। और बहुत ही मतलब दूर दूर तक ये अनार का खेती किया हुआ है। यहाँ का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सराउंडिंग पूरा खेती होती करके रखा हुआ है, अनार का, नारियल का, खजूर का, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है नया। ये जगह का नाम है बदीदा। ओ अंकल जी मिल गए, हॉस्पिटल है। अच्छा चलिए देखते हैं। वाओ काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत। और सामने देखिए ये जो बना हुआ है, इतना खूबसूरत दिख रहा है। ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल, इतना मस्त गार्डनिंग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा अच्छा इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जेट्स लगे हुए हैं और सारा जो बॉडी है वो रिलैक्स करने के लिए अच्छा काम करता है। टाइटस टाइम क्लीनिंग के लिए पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पूरा मशीन है। 45 मिनट का पूरा सेशन रहता है। मतलब जो आप नेचर केयर करते हो इसका कोई मतलब वो नहीं है, साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दवाई यहाँ पे यूज नहीं हो जाती, कुदरती तरीकों से ही पूरा का पूरा नेचुरल थेरेपी है। इसमें आगे एलोपैथी हॉस्पिटल है, इधर फिजियो रिहैब सेंटर है, यहाँ पर नेचुरोपैथी है जहाँ हम खड़े हैं और आगे वो योगा वेलनेस है। हाँ आपका घूमा मतलब बहुत अच्छा लगा हमें, तो नेचर से जुड़ा हम भी, हमारा लक्ष्य भी वही आपका भी वही है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम बेसिकली हेल्थ में काम कर रहे हैं, वेलनेस में, जहाँ पर ज़्यादा प्रिवेंशन का काम होता है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोगों को काफ़ी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आके रिलैक्स करना, रिजुविनेट करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, मन की शांति बढ़ाना, जो मेटाबॉलिज्म, पेट की प्रॉब्लम है या दिन की प्रॉब्लम है, तो सारा कुछ करके ना इंसान को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और इसकी वजह से हम जो कुदरती उपचार, जैसे हमारे एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो सिस्टम थी योग की, हाँ जी, हाँ जी, और प्रकृति की उपचार की, तो वो हमने यहाँ पर विद मॉडर्न तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये रतनवीर और तारामती है जो कि एम पटेल आरोग्य धाम के ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो खाना आ चुका है, पूरा हेल्दी खाना, ऑर्गेनिक। ये दाल पूरा, ये पनीर वगैरह, चटनी, गाजर, नींबू, सब कुछ है। तो अभी खा लेता हूँ। ऐसा जगह मैंने पहली बार देखा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। खाना पीना कर लिया यहाँ पर ही। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुका है, दोपहर का टाइम एक्चुअली। तो अभी यहाँ पर ही थोड़ा सा जगह मिल रहा है, छाया जैसा ना, दुकान है के बंद पर है, तो यहाँ पर ही 5-10 मिनट रेस्ट करता हूँ। यहाँ पर ही कुछ टाइम रुका था, 5-10 मिनट, चलता हूँ दोबारा से। सफ़र जो है काफ़ी लंबा है, धीरे धीरे हमें जितना हो सके ज़रा डिस्टेंस कवर करने पड़ेगा।
हम चल ही रहा था यहाँ पे, भाई लोग मिले। क्या नाम है भैया आपका? दिग्नेश चंद। और ये जगह का क्या नाम है? रानीघाट। रानीघाट, ओ बढ़िया लगा। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया। कोई नहीं कोई नहीं, थैंक यू। नहीं मैं पीना नहीं। नहीं पियो पियो, बाद में पी लेना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई। ठीक है भाई, क्या नाम है? TIKLU। और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ आएगा, कल आएगा, वीडियो देखना, कल आएगा। ठीक है, आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। आम का बाग कितना खूबसूरत दिख रहा है, छोटा छोटा आम लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया। और इस तरफ खजूर, लकड़ी लेके जा रहा है। और इस तरफ देखिए इतना खूबसूरत है खजूर का बगान। वाह, दोनों तरफ पेड़ पौधे, पूरा ग्रीनरी, कितना खूबसूरत। वाह, काफ़ी बढ़िया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, आसाम से। क्या हाल चाल, कहाँ से भैया? तो भैया जी मैं बोलेंगे ना भैया, बाइक से सारा कंप्लीट। तो भाई बड़ा अच्छा लगा मिलकर आपसे। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा मिलकर। ठीक है, आज दिन की पहली चाय पीते थे भाई। ठीक है, ओके भैया। चेस चेस। सामने देखिए इलेक्ट्रिसिटी का पूरा वायर जा रहा है, बड़ा बड़ा खंभा है। और यहाँ से मुंद्रा 18 किलोमीटर, कांडला 87 और अहमदाबाद 345 किलोमीटर। और पानी देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी इसको फिनिश कर देता हूँ, आगे कहीं पे मिलने से पानी भरा लूँगा। भाई पानी भी पूरा गर्म हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब धूप है यहाँ पे, गर्मी है, गर्मी की वजह से। सामने देखिए एक भैया जी जा रहा है ऊँट लेके। हेलो भैया जी, कहाँ जा रहे हो? ओह बढ़िया, हाईवे रोड पे पूरा भाई जी ऊँट का गाड़ी लेके जा रहा है। रास्ता काफ़ी बढ़िया है, उस तरफ एक रास्ता हो गया, इस तरफ रास्ता। वाह, अभी कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से चलते रहेंगे। तो वहाँ पे दोनों भाई का साइकिल रखा हुआ है। और अभी हम लोग जबलपुर जगह का आमने सामने है। और यहाँ पे एक सुंदर सा ना नहर देखने को मिला है, काफ़ी बढ़िया। चलिए सामने से दिखाता हूँ आप लोगों को। और इस तरफ पूरा आम का बागान खेती किया हुआ है, उस तरफ भी देखिए पूरा आम का बागान। और ये देखिए नहर का पानी कितना सुंदर दिख रहा है, पानी देखिए पूरा ऐसे दूर तक जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें वो बाग देखने को मिल रहा है, आम का, फिर आपका अनार का, फिर आपका खजूर का, बहुत सारा। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है घूम के। और ये नहर देखने को मिल गया, काफ़ी बढ़िया है। नीचे बहुत पूरा गहरा है, नीचे तक दिखाई दे रहा है। साइड में देखिए ये पूरा खजूर का पेड़ रखा हुआ है, ये तो कुछ काम में आएगा क्या, पता नहीं, जलाने के लिए काम आएगा शायद। अभी और एक रिवर मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए पानी नहीं है, सूखा हुआ है। और इस तरफ भी खजूर का पेड़ काट के सामने रखा हुआ है, देख सकते हैं। मुंद्रा 13 किलोमीटर है यहाँ से। भुज पर और सामने फ्लाईओवर एक मिल चुका है, अभी फ्लाईओवर का ऊपर से जाएंगे। चलिए तो अभी हम लोग दोनों भाई चल ही रहे थे, तो यहाँ पे एक भाई जी मिला। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? देव देव भाई जी, देवराज।
ओके, आप यहीं से है? हाँ यस। ये कौन सा जगह? ये जिंदल मुंद्रा एरिया है। अच्छा, मुंद्रा का एरिया ना, जिंदल कंपनी है इधर। कहाँ पे गए थे आप गाड़ी उड़ी लेके? यहाँ पे मेरा कैटरिंग का काम चालू है मुंद्रा में। ओके, वहाँ से जा रहा था आपको। मैं मोटिव हो गया कि ना मिलते हैं। अच्छा अच्छा, नॉलेज मिलेगा। अच्छा सही है, हमें भी काफी ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके श्योर। ओके जितू भाई चले, हमें भी अच्छा लगा। ओके ठीक है, धन्यवाद। ओके चलिए सर। ठीक है भैया, और कुछ हेल्प चाहिए तो? नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, बहुत धन्यवाद आपसे मिला, बातें होते क्या, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके 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 भाई, ऊपर देखिए आसमान में कितना सारा चिड़िया है। ओ भाई, कबूतर, बहुत सारा कबूतर है यहाँ। ओ, रास्ते का सफाई का काम चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं इस तरफ। तो अभी दोनों भाई का साइकिल यहाँ पे रख दो। हेलो, कहाँ पे जा रहे हो? जा रहे हो? ओके, बढ़िया बढ़िया। ऑटो लेके सही है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। ओ बढ़िया लगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे ये हमें देखा, क्या बोलते हैं, नाम ही भूल गया, तरबूज। हाँ, कैसा करके भैया ये? 30-30। ओके ओके, सही है। तो अभी ये लूँगा आपका तरबूज, काफ़ी देर से चले जा रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी अच्छा है रुकने के लिए, हवा हवा चल रहा है, तो तरबूज खाएंगे, कुछ तक 5-10 मिनट यहाँ पे रेस्ट लेंगे, फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ये जगह का नाम क्या है? समक होगा। ओके ओके, बढ़िया है, ठीक है। हेलो बोल दो, ठीक है। काफ़ी टेस्टी है भैया का दुकान से लिया, और भैया का दुकान में बैठ के खा रहा है। सही है, सही है। और यहाँ से प्राग पर दिखा रहा है सीधा, भुज कंडला लेफ्ट दिखा रहा है, देख सकते हैं कुंडला 12 अंदर 50 किलोमीटर। मुंड्रा पोर्ट के लिए ये लेफ्ट रास्ता जाता है, अभी हम नहीं जा रहे तो सीधा ही अभी हमें जाने पड़ेगा। यहाँ से ना दिखाई दे रहा है पूरा बड़ा बड़ा कंटेनर रखा हुआ है, वो ट्रक, बड़ा बड़ा ट्रक आ रहा है नॉन स्टॉप मुंड्रा पोर्ट से। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, नॉन स्टॉप यहाँ पे ट्रक वगैरह आना जाना चलते रहता है। इस तरफ भी कुछ कंपनी वगैरह है, ये देखिए। और यहाँ से भी भुज के लिए रास्ता है, ये रास्ता जाता है भुज के लिए, 43 किलोमीटर लिखा हुआ है भुज। और अभी ट्रक देखिए कितना ज़्यादा देखने को मिला है, जैसे ये बंदरगाह क्रॉस किया हो भाई, चलते रहता दिन रात यहाँ पे। मुंड्रा पोर्ट या बंदरगाह, सामने देखिए ये फोरसोन ऑयल का कंपनी है। यहाँ से रास्ता है फोरसोन ऑयल, और ऐसा कुछ है इस तरफ का नज़ारा। वाओ, मिट्टी देखिए कैसा है, ब्लैक कलर का यहाँ का। ओ भाई, बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर आ रहा है ट्रक। तो अभी टोडा पहुँच गया हो, ये टोडा का फ्लाईओवर यहाँ पे भी। ओ भाई, पूरा बज बज के चलाने पड़ेगा। तो अभी देखिए पूरा ट्रक रुक गया है, क्योंकि आगे ना वो उठ जा रहा है धीरे धीरे करके, उसके वजह से थोड़ा सा ट्रक को रुकने पड़ा, स्लो करने पड़ा है।
ये देखिए कितने सारे ऊँट है एक साथ। देख सकते छोटा भी है ऊँट। वाह तो भाई कितने सारे ऊँट है देखिए। हेलो बस क्रॉस करके आ गया, चलते चलते गुंदला पहुंच गया। अभी और एक फ्लाईओवर मिल चुका है, यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम। हाँ पानी भरा लेता हूँ, पानी ख़त्म हो गया। हाईवे है ना, उसको वजह से ब्रिज ओवर ब्रिज मिल रहा है हमें। वहाँ पे है पानी का ट्यूब, चलिए वहाँ से भर लेते। अभी शाम का 5:15 हो चुका है और ऐसा कुछ है सराउंडिंग, पानी उनी भरा लिया बोतल में। अभी सोच रहा हूँ कि 15-20 किलोमीटर चला लेता हूँ साइकिल, शाम होने तक खींच लेता हूँ जितना हो सके। और अभी तक सुबह से करीब 47 किलोमीटर साइकिल चला लिया हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ आज। चलिए एक खूबसूरत अच्छा झील देखने को मिला है और काफ़ी बढ़िया। और अभी सामने बहुत सारा पवन चक्की देखने को मिल रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग देखिए। वो देखिए वाइट वाइट जितना भी है पवन चक्की, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हवा में धीरे धीरे करके घूम रहा है पवन चक्की। आज का दिन का ये पहला टोल प्लाजा मिल चुका है हमें, मोखा लिखा हुआ है, जगह का नाम शायद मोखा है। चलिए क्रॉस करते हैं टोल प्लाजा का। ट्रक कितने सारा है ना, वह ट्रक देख देख के आ रहा हूँ, कितना बड़ा बड़ा ट्रक ना गुजरते रहता है। साइकिल बाइक का ही सही है, टेंशन नहीं है, आराम से साइड से निकल जा सकता। शाम का अभी 6:07 हो चुका है और ये रास्ते में रात को साइकिल चलाना बहुत रिस्क हो जाएगा, काफ़ी बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह और इतना स्पीड से आता है। तो और चलता हूँ कुछ दूर फिर रहने का बंदोबस्त करते। चलिए यहाँ पे टेंशन नहीं है क्योंकि ढाबा है, होटल है, आराम से रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन रात को थोड़ा सा ट्रक वगैरह का साउंड सुनाई देते रहेगा, नॉनस्टॉप ट्रक चलते रहता है रात को भी। थोड़ा सा दूर में लगाने पड़ेगा टेंट, देखता हूँ अभी कहाँ पर जगह मिलता है। चलिए शाम का 6:15 हो चुका है और अभी रहने के लिए एक होटल मिल चुका है, अभी बातचीत करते हैं, देखता हूँ क्या होता है। तो अभी शाम का 6:20 हो चुका है और हमें रहने के लिए जगह मिल चुका है। अंकल जी से बात उत किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अंकल जी ये होटल का नाम क्या है? माधव होटल है, माधव होटल आहिर है हमारा। मेरा नाम रातु भाई दवा आहिर। आहिर, अच्छा अच्छा। और ये जगह का नाम क्या है? जगह का नाम माधव होटल चांदरोड़ा गाँव। चांदरोड़ा गाँव, ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अंकल जी बोल रहे हैं वहाँ पे रूम है ना? रूम है, आप रूम में नाइट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूर ज़रूर, सही है। और वहाँ पे बाथरूम वाथरूम है, बढ़िया से नहा धो के सुबह निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कोई किराया नहीं लेंगे आपके पास। बहुत है। आप ऐसे घूम रहे हैं तो हम भी, हमारा एक फर्ज बनता है इतना मदद करने का। सही है सही है, बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और आज करीब 70 साइकिल चला लिया हूँ। आज मंडवी से आया, 70 ही होगा ज़्यादा, मान लीजिए 70। तो ठीक है, अभी कुछ टाइम रेस्ट करता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर मिलता हूँ। चलिए वहाँ से हो रहा है प्यारा सा सनसेट,
और अभी शाम का 6:30 बज चुका है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, हाथ मुँह धो के बढ़िया से फ्रेश हो चुका हूँ। और ये होटल का पीछे वाला एरिया है, पीछे आ चुका हूँ। और यहाँ पे खेती करके रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट करना, देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, ये चीज़ पूरा भरा भरा हुआ है। तो अभी रात का 8 बजने वाले हैं और यहाँ पे आ चुका है रात का खाना। भोजन खाने में है यहाँ पे बैंगन सब्जी, यहाँ पे दाल, यहाँ पे राइस, ये नींबू, ये सब ओनियन प्याज वगैरह है। और ये गर्मा गर्म रोटी, ओह डालिया दीजिए। ओके ओके, काफ़ी बढ़िया है गर्मा गर्म रोटी। ठीक है, थैंक यू। चम्मच ला देना भैया। ठीक है जीतू भाई, इन्जॉय करते खाने को। अभी बढ़िया से खाता हूँ और हमें बढ़िया से रूम भी मतलब दिया है भैया लोगों ने, तो काफ़ी रूम भी दिखाऊंगा चल के। अभी रात का 8:15 हो चुका है और आज का रात का ये हमारा रूम काफ़ी बढ़िया रूम है, देख सकते हैं। दोनों भाई यहाँ पर बिस्तर लगा दिया, इस तरफ जीतू भाई और इस तरफ मेरा बिस्तर लग चुका है, देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया है, पंखा भी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो ठीक है, थोड़ा सा थक गया हो क्योंकि 2 दिन हम लोग रेस्ट, 3 दिन ही ना, 3 दिन करीब 3 दिन साइकिल चलाया नहीं था और आज साइकिल करीब 70 किलोमीटर साइकिल चला लिया। काफ़ी बढ़िया नींद आया आएगा आज रात को, और काफ़ी बढ़िया आज का सफ़र भी काफ़ी बढ़िया है और आगे आने वाला दिन भी ऐसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हुए जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। और ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय हो, बाय बाय।